अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ, रखा है। रखा है आपने? हाँ। आप, क्या आपके बॉयफ्रेंड ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ, उसने भी रखा है। करवा चौथ करवा चौथ का व्रत क्यों रखना चाहती हैं आप? लंबी उम्र। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल, और मैं आज मौजूद हूँ भिंड के सबसे वायरल गर्ल जिसके दीवाने आज लाखों लोग हैं। आज हम बात करेंगे, चाय 24 रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, और हमारे साथ आज मौजूद हैं भिंड के वायरल रिपोर्टर के रूप में अरविंद शर्मा। और अरविंद शर्मा और राजा भैया पाल के साथ आज जुड़ेंगी भिंड की सबसे वायरल गर्ल रेनू ठाकुर, हमारे साथ जुड़ रही हैं। रेनू ठाकुर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल करना चाहेंगे, भिंड के चंबल में आप हो, और चंबल के इस इलाके में जाना जाता है कि पूरे देश के लोग जब देखते हैं तो चंबल में बड़ा दबंग लोग रहते हैं, तो इस दबंग भरे जिले में कैसे आप खुद को वायरल पाती हैं और कैसे रील्स बना लेती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि मैं रेनू ठाकुर नाम है मेरा और एक ठाकुरानी हूँ, ठाकुर की बेटी। तो बिल्कुल उस तरीके से रहना चाहिए कि कोई दबंग भी हो, चाहे तो कितना भी बड़े गुंडे हो, ऐसा कोई काम ना करो जो उससे उलझना पड़े। और अगर उलझ भी जाओ तो निपटने के लिए तो बिल्कुल रेडी बैठो, क्योंकि चंबल के पानी लगा है हमें, है ना? तमाम लड़कियां और महिलाएं रखती हैं। बिल्कुल। पहला सवाल करना चाहेंगे, आप भी लड़की हैं, आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या करवा चौथ का व्रत रखा है? अभी तो नहीं, बट हाँ रखा है। रखा है आपने? हाँ। आप, क्या आपके बॉयफ्रेंड ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ, उसने भी रखा है। शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रखना कितना उचित मानती है? उचित तो वैसे नहीं मानना चाहिए, बट अगर कोई पार्टनर है, प्यार करते हो, एक साथ रहना है, रह रहे हो, तो जो भी नियम कानून है ना, तो वो सारे उसके लिए भी लागू होता है। आपका प्यार कितना पवित्र है? मेरा प्यार कितना पवित्र है वो तो आपको नहीं बता सकते। आप करवा चौथ को व्रत रखने रखती हैं, अपनी बॉयफ्रेंड के लिए रखती हैं? हाँ, रखा है मैंने। क्या बॉयफ्रेंड आपसे आपके लिए व्रत रखता है? उसने भी रखा है। अच्छा, करवा चौथ पे जिस तरह व्रत रखती हैं, लेकिन ये जो संस्कृति है शादी से पहले लड़कियों को व्रत रखना, कितना जायज़ मानती हैं आप? जायज तो वैसे नहीं मानना चाहिए, फिर भी बोलूँगी कि जायज़ नहीं मानना चाहिए शादी से पहले, मतलब वो सारी चीज़ें करना, मतलब हस्बैंड की तरह उसको, उसके लिए सारी चीज़ें करना ठीक है। करवा चौथ, लेकिन करवा चौथ का व्रत क्यों रखना चाहती हैं आप? जैसे कि एक वाइफ होती है हस्बैंड के लिए लंबी उम्र चाहती है, ठीक है, और एक लड़की होती है, तो वो उसके साथ जैसे वो फ्रेंड है सामने के पार्टनर के, वो इतना प्यार करती है, तो उसके लिए वो लंबी उम्र ही चाहेगी, उसकी सफलता ही चाहेगी, उसकी सुरक्षा ही चाहेगी। हमने तो अक्सर देखा है कई बॉयफ्रेंड की तमाम लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं, आपको कैसे पता कि आपका बॉयफ्रेंड आपको ही प्यार करता है, किसी दूसरे को पसंद नहीं करता? देखो, वो बात आ जाती है लॉयल्टी की और ट्रस्ट की। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़, और भरोसे में ही वो रिश्ते टिके होते हैं, ठीक है, तो भरोसा करना चाहिए। आपको आपको सामने वाली गद्दारी कर जाए वो उसके ऊपर है। क्या मानती भारत की संस्कृति को जो बॉयफ्रेंड इस समय बनाए जाते हैं शादी से पहले, एक बोला जाता है लिव इन रिलेशनशिप, क्या मानती लिव इन रिलेशनशिप कितना महत्वपूर्ण है, क्या भारत की संस्कृति को ये नष्ट नहीं कर रहा है? ठीक, लेकिन ये चीज़ें गलत है आज की, अब भी इतना बहुत कुछ है तो आगे भी जाके गलत ही होगी। क्या मांगा है बॉयफ्रेंड जो करवा चौथ रखती है, क्या मांगा है बॉयफ्रेंड के लिए? लंबी उम्र। करवा चौथ के दिन आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रखा? अब ये मत कहना कैसे जाकर पूजा किया था। सवाल मेरा आपसे सवाल है, करवा चौथ के दिन देश की तमाम महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पति को भगवान का स्वरूप मानती हैं, और इसके बाद साल भर जिस तरीके से वो बेचारे पति को टॉर्चर करती हैं, परेशान करती हैं, गालियां देती हैं, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए तरह तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग करती हैं, तब क्या वो उनके भगवान नहीं होते? आप पीड़ित हो क्या? आपके साथ ये घटनाएं घट चुकी? नहीं, मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी। फिर ऐसे आप सवाल कैसे कर रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि पति ऐसे हिंसा के शिकार होते हैं? पति हिंसा के शिकार मतलब अपनी वाइफ से ही? हाँ, साल भर तो उनकी पूजा होती है, या तो पूजा ही मान लो कि कहीं झाड़ू उठा के कहीं बेलना उठा के उसके साथ की जाती है, लेकिन करवा चौथ के दिन पति की पूजा की जाती है, राजा भैया पाल का सवाल है। देखो, एक चीज़ है, अगर वाइफ मजाक मजाक में लड़ रही है, कलेश कर रही है, किसी चीज़ को लेके कर रही है, मजाक में कर रही है, किसी डिमांड में कर रही है, तो वो चलो नॉर्मल है, लेकिन सीरियसली अगर अपने हस्बैंड को गाली गलौज या फिर नहीं इज्जत करना, परेशान करना, वो चीज़ गलत है।
रेनू ठाकुर जी, जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत जो तमाम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रख रही हैं, तो वो अपने घर में कैसे छुपाती होंगी कि आज हमने अपने बॉयफ्रेंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? करवा चौथ का व्रत रखा है, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। और करवा चौथ भी आ चुका है, तो वो कैसे छुपा के रहती होंगी? जैसे या तो घर से बाहर निकल जाएंगी, और या तो फिर घर वाले जैसे फोर्स करें खाना वाना खाने के लिए, तो वो पेट दर्द की बहाना बना देंगे, या फिर बीमार की, या फिर कर लेंगी कि हाँ मैंने खा लिया है, ये सारी चीज़ें करके बच जाती है। फिर तो वो कोचिंग ही निकल जाएंगी, पूरा दिन के लिए गायब ही हो जाएंगी, आएंगी बिल्कुल शाम को, और फिर उसके बाद फिर नाइट को तो व्रत खोल ही लेंगी, खा लेंगी सबके साथ बस। वो जब चांद देखती होंगी तो बॉयफ्रेंड उस समय कैसे आता होगा? चांद देखती होंगी तो ये तो आपने थोड़ा कैजुअल सा सवाल कर दिया। चांद तो देखती होंगी, देखो चांद तो वो देख ही लेंगी छत पे जाके कैसे भी बहाने करके, और जब रही बात बॉयफ्रेंड के देखने के लिए तो वीडियो कॉलिंग कर लेंगी। अच्छा, आप वीडियो कॉलिंग से भी? वीडियो कॉलिंग से देख लेंगी, चांद को देख के वीडियो कॉलिंग देख लेंगी बॉयफ्रेंड को। आपने तमाम बॉयफ्रेंड के लिए एक अच्छा आइडिया बता दिया है। तो अब यही करती हैं सब वीडियो कॉल में। हाँ, आप कैसे करवा चौथ का व्रत मनाएंगी अपना? देखो मेरा तो बॉयफ्रेंड है ही नहीं है, तो मैं मनाऊंगी कैसे? आपने तो बोला था कि आप कोई बॉयफ्रेंड नहीं, इस नहीं है, था तब मैंने रखा था जी। हाँ, जब मेरा था तब रखा था, इस बार नहीं है। इस तो बार आगे कोई बॉयफ्रेंड बनाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास, आगे कुछ बनाने का ख्याल नहीं है। बनाऊंगी तो लाइफ पार्टनर ही बनाऊंगी। हाँ, जो डायरेक्टली हस्बैंड हो।